अस्सलामुअलैकुम। ये एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ग्राफ में, मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स में। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। दो इक्वेशन हैं, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेंगे, एक को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये ग्राफ पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे ग्राफ बना लूँगा। 3x-11 इज इक्वल टू वाई, और दूसरे इक्वेशन क्या है, x-3y इज इक्वल टू 9। ये तो y की इक्वेशन बनी हुई है, इसको y टर्म में बना लेते हैं। 3y वहाँ जाके प्लस और 9 यहाँ के माइनस, y चाहिए तो x-9/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बना हुआ है तो x इज इक्वल टू 1, तो जाएगा 3, 1-11। 3-11 करूँगा तो -8 आ जाएगा। x और y क्या आ गया, 1 पे -8। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 2, 3, 2-11 हो गया। 6-11 करूँगा, -5 आ जाएगा। x और y क्या आ गया, 2 और -5। पुट x इज इक्वल टू 3, 3, 3-11, 9-11 करूँगा तो आ जाएगा -2। x और y आ गया 3-2। पुट x इक्वल टू 4 करूँगा, 3, 4-1 आ गया, -11, 12-11 तो 1 आ गया। एक्स वाई आ गया 4 और 1, तो हमारे पास 4xy आ गए। एक्स लिया 1, 2, 3 और 4, वाई हमारे पास आया -8, -5, -2 और 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करना है कि 3 का मल्टीपल है, तो 0 पुट कर रहा हूँ। 0-9/3, -9/3, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह 3 रख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3, 3-9/3, -6/3, -2 हो जाएगा। यहाँ पर x और y क्या है, 0-3। अब यहाँ पर x और y क्या है, 3-2। यहाँ पे भी हमारे पास 3-2 था, इसका मतलब एक तो सेम हो गया। अब 6 पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 6, 6-9/3, -3/3, -1 आ जाएगा। तो x और y हमें क्या मिल गए, 6 और -1। अब क्या पुट करूँ, पुट x इक्वल टू 9 नहीं रख सकते क्योंकि 8 से बड़ा हो जाएगा ना, तो -1 रखता हूँ, नहीं रख सकता, -2 भी नहीं रख सकता, तो -3 रख लेते। तो y हो जाएगा -3, -9/3, -12/3, -4 हो जाएगा। तो x और y क्या आ जाएंगे, -3, -4। बस ये हमारे पास 4xy आ गए। क्या क्या पुट किया, 0, 3, 6 और -3, 0, 3, 6 और -3। आंसर क्या क्या है, -3, -2, -1 और -4। अब ग्राफ बनाएंगे दूसरी वीडियो में।